पीएम मोदी आज पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। हरियाणा में 30 नवंबर तक फिर स्कूल बंद, छात्रों के संक्रमित होने पर लिया फैसला। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना की टेस्टिंग शुरू, संक्रमण बढ़ने पर राज्यों की फिक्र बढ़ी। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, आज भी AQI बहुत खराब श्रेणी किया गया दर्ज। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रदूषण के कारण यमुना नदी का पानी हुआ जहरीला। असम के जोरहाट के राजा मैडम रोड पर 10 से अधिक घरों में लगी आग। ओवैसी बोले, हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। PGI के सेक्टर 8 अंडरपास लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास हुई मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। फायर करके भागे तो इनके पीछे, क्योंकि पुलिस पार्टी ने अच्छे से तैयारी की हुई थी, पीछा करके ये सेक्टर 8 की तरफ भाग रहे थे। तो ये क्या, इधर थोड़ा अंधेरा था तो इस तरह से लोग मुड़े ताकि बाइक वाइक छोड़ के भाग गए, जो भी प्रयास इनका था, क्योंकि पुलिस पार्टी लगातार पीछा कर रही थी। तो एक इन्होंने दोबारा यहाँ पर फायर किया, जिसके रिटेलिएशन में फायर पुलिस के द्वारा की गई। तो आगे वाली बाइक पे अमित एक अभियुक्त है, जिसके पैर पे गोली लग गई और वो गिर गए। तब फिर इन लोगों को अरेस्ट किया गया मुठभेड़ में। दोनों बाइकों का देखा जाए तो आगे वाली बाइक पे दो अभियुक्त है, जिसमें अमित और एक संदीप है। इनसे जो पूछताछ की गई उसमें ये दोनों लोग बदलापुर जौनपुर के रहने वाले हैं और गैंगस्टर में भी जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर 5-7 मुकदमे इन लोगों ने अभी बताए हैं। आगे इंटरोगेशन जब किया जाएगा तो बाकी की डिटेल निकल के आएगी। और जो पीछे वाली बाइक है उस पे लक्की नाम का एक अभियुक्त था, जो दुबग्गा का रहने वाला है। उसके पास जो लूटा हुआ मोबाइल था वो मिला है। और इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी पता नहीं चला है, क्योंकि इसका पूरा ये होने के बाद इंटरोगेशन किया जाएगा, तो जो डिटेल होगा वो आपको बताएंगे। इनाम अभी तो चीजें और कहीं और से वांछित है, कहीं और से इनाम है तो पता नहीं, लेकिन जो घटना का त्वरित अनावरण करने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से अरेस्टिंग और वर्कआउट करने वाली टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। और दो तमंचे भी इसमें बरामद हुए हैं, 315 बोर और 4 लाइव राउंड है और 2 कोक है, एक आगे इधर फायर हुआ था और एक पहले फायर करके भाग गया। लखनऊ में सपा MLC के फ्लैट में युवक की हत्या, बर्थडे पार्टी में चली गोली। अपर मुख्य सचिव गृह व मुख्य कार्यपालक अधिकारी UP डा अवनीश अवस्थी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।